और उसके करेंगे परिणाम और भी आपको करेंगे दिख रहे हैं। हमने देखा है कि ये जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा जो उसी का है वो स्कूल जरूर जाए, और इसके संबंध में जो प्रयास किए गए हैं कि ड्रॉप आउट्स को या जो स्कूल कभी नहीं गए हैं उनको जिस प्रकार से शामिल किया गया है वो वाकई काबिल से काबिल है, और मैं आप सबको बहुत बहुत उसके बारे में बधाई देता हूँ। आज का युग, जैसा कि आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी का युग है, इनोवेशन का युग है, और इस पहल के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और उसको जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए आप सबका प्रयास मेहनत चाहिएगा, और निश्चित रूप से हम आगे वाली पीढ़ी, हम सब जानते हैं कि बच्चे ही देश का भविष्य है, और ये बात भी स्पष्ट है कि आप जो शिक्षकगण हैं वो उन बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एजुकेशन पॉलिसी का फोकस है, जो हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय की सोच है, जो उनके सानिध्य में जो ये काम हो रहे हैं, इसका मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसका आप लोग पूरा फायदा उठाएं। ये अवसर बार बार नहीं आता है, और ये अवसर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आप सबका रहेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको एक व्यवस्थित ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है कि क्या हमारी लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, उसमें हमारे गैप्स क्या हैं, हमारे टीचर्स की शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, किस प्रकार से किया जा रहा है, जिसके अंदर आप सब इसको बखूबी जमीन पर उतार सकते हैं। मैं अंत में आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, विशेष तौर से प्रमुख सचिव श्री बी के सिंह साहब को, उनकी पूरी टीम को, आप सबको, कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे परिणाम दिए हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आगे आने वाला समय ऐसा है जब आप के लिए जो नई अपॉइंटमेंट आने वाले समय में पूरी मेहनत से, पूरे तन मन से इस काम में लग जाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले 4-8 वर्ष जम्मू और कश्मीर में स्कूल एजुकेशन के लिए स्वर्णिम दिन रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया। मैं 30 सेकंड लेने में ये चीज बताऊंगा कि ऑनरेबल एजी साहब ने 8 अक्टूबर 2020 को रजौरी जाने की मंशा बनाई, लेकिन जब वो हेलीपैड पे पहुंचे तो चापर की टेक्निकल इशू की वजह से चौपर उड़ान नहीं भर पाया, लेकिन जो उनने वादा और जो कमिटमेंट वहां के लोगों के साथ था, सबको लगा कि शायद ऑनरेबल एजी साहब उनके बीच में तशरीफ नहीं ला पाएंगे, लेकिन वो बाई रोड उस डेडिकेशन के साथ वो बाई रोड 4 घंटे का सफर करके यहाँ से रजौरी पहुंचे, और उसके बाद 1 घंटा पीढ़ी की रोड पे, जो कि ब्लैक टॉप भी नहीं थी, उस रोड के ऊपर सफर करके उन लोगों के मसाइल सुनने के लिए वहां पहुंचे और उनका अजाला किया। मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म के रहबर, इस किस्म के सरपरस्त हमारे सिर पे होंगे, तो इंशाल्लाह जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स जो इंडिया की है उनके साथ खड़ी पाएगी। मैं वसीम बरेली के 4 मित्रों के साथ जो है वो ऑनरेबल एलजी साहब को यहाँ दावा दूंगा, और इसके 2 मित्र ऑनरेबल एलजी साहब ने 26 दिसंबर 2020 तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें, तुम आगे हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, वरना रोज रोज चांद कहां जमीन पे उतरता है। मेरी मुराद ऑनरेबल एलजी साहब से है कि वो डाइस में आए और आपके रूबरू हो, और आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज गिव अ टाइम टू वेट टू ऑनरेबल एक्सप्रेस गवर्नर जनरल कश्मीर श्री मनोज सिन्हा साहब। अपलोड करनी है। राजीव राय नगर जी, इनको सेक्रेटरी एजुकेशन जी, वर्चुअल मोड में जम्मू से जुड़ी हुई एनपीसी प्रमंता जी, जम्मू कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री पांडुरंग पोले जी,
ट्राइबल अफेयर और समूह के ट्राइबल अफेयर कैसे करती और समूह कैसी हो। श्री शाहिद इकबाल चौधरी जी डिपार्टमेंट को आइए फिर तो हुई उनके सभी सहयोगियों सभी प्रिंसिपल टीचर्स और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बच्चों को हृदय से बधाई दे अभी जब इन प्रोजेक्ट्स को भावी पीढ़ी के समर्पित किया जा रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा उत्सुकता उस इनिशिएटिव को लेकर के हो रही थी कि बच्चों में प्लेफुलनेस के साथ विचार और वैज्ञानिक चेतना भी शिक्षा के क्षेत्र में भी उठी सबसे पहले हमारे समाज में शिक्षक और पिता का जो स्थान वो किसी दूसरे को नहीं। कोई भी शिक्षक जो बच्चे को पढ़ाता है दिल से ही चाहता है कि अपने बेटे को अपने बच्चे को चाहता है अपनी बच्ची को मैं जिस सिखाई पढ़ता उस बात को लॉन्च हो गया। 28 साल में इंसान के मूली सुनने के सुमित में इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए जिन्हें लोग क्रांतिकारी प्रस्ताव करते हैं। ओ भाई हट जाए यार तू क्या कर रहा है। समय पर भाई लाइव चल रहा है यूट्यूब पे। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कोई बड़ा अमूल्य परिवर्तन हो ये बड़ा फेमस यूट्यूब चैनल है क्रांतिकारी बदलाव करने के अलावा चले कि कोई स्वतंत्र विचार जन्म ही नहीं लेता विवेक की ताजी हवा को बंद कर ज्ञान का ढेर किताबों से इकट्ठा किया जा सकता है लेकिन विवेक को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र विचार बहुत आवश्यक है और क्यूरियासिटी उससे भी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ खिड़की खोलने की जरूरत थी लेकिन बच्चों को ठीक उल्टा सिखाया गया खिड़की के पास मत जाओ ज्यादा सवाल मत पूछो और यही काम था कि स्कूल की चार दीवारी बच्चों को डराती थी। मैं मानता हूँ देश की राष्ट्रीय सबसे बड़ा योगदान है किसने स्कूल के कैंपस में प्लेफुलनेस स्कूल की तरह विकसित करने का साहस दिखाया। प्राइवेट स्कूल में ये व्यवस्था शुरू हो गई लेकिन सरकारी स्कूलों में इसका अभाव अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के माध्यम से अब सरकारी स्कूलों में भी इसे लागू किया जा रहा है जो प्लेफुलनेस के साथ बच्चों को स्कूल रेडी बनाएगा। मैंने साहस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि लंबे समय से लोग इस परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे। देश पूरी शिक्षा व्यवस्था को पहली बार अतीत से निकालकर भविष्य उन्मुख बनाया गया। प्लेफुल एजुकेशन के बाद स्कूली शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दूसरा सबसे बड़ा योगदान है वो क्यूरियासिटी जगाने का। जहाँ क्यूरियासिटी नहीं होगी वहाँ कभी भी कोई आविष्कार जन्म नहीं ले सकता। क्यूरियासिटी से ही आविष्कार का खोज का जन्म होता है नए विचार पैदा होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यूं तो हर एक रिकमेंडेशन में भविष्य की तैयारी के बीच छिपे हैं लेकिन मैं मानता हूं इन दो मूलभूत परिवर्तनों ने आज पूरी शिक्षा को सभी जंजीरों से मुक्त कर पैदा हुए। उसमें श्री निवास रामानुजन थे कई लोग ये दावा करते हैं सबसे बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। आप में से लगता है कि कुछ लोगों को जरूर मालूम होगा जब 11 वर्ष की उम्र में 11 साल मैथ का क्लास अटेंड किए
13 साल की उम्र में एडवांस शिक्षा करने के लिए खूब की